लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। इसके साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का वक्त भी खत्म होने जा रहा है। इस बीच सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। याचिका में सीएम केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक सीएम केजरीवाल को अभी पेट सीटी स्कैन के साथ ही कई दूसरे टेस्ट से गुजरना है, इसीलिए उन्होंने जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन का वक्त मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि केजरीवाल का कीटोन लेवल काफी हाई हो गया है। मैक्स अस्पताल में डॉक्टर्स ने जाँच की है। जाँच कराने के लिए केजरीवाल ने 7 दिन का समय मांगा है। जेल में रहते हुए उनका शुगर लेवल भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था। केजरीवाल और उनकी पार्टी ने ये दावा भी किया था कि उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा। आम आदमी पार्टी के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हो गया है और उनका कीटोन लेवल हाई है, जो किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। इस बीच आम आदमी पार्टी के लीडर आतिशी ने सीएम केजरीवाल के स्वास्थ्य पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सीएम केजरीवाल के कीटोन लेवल बढ़ने से किसी गंभीर बीमारी को न्योता मिल सकता है, लिहाजा उनकी अंतरिम जमानत को आगे बढ़ा दिया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है अपनी इंटरिम बेल को 1 हफ्ते से आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वजन घटा था। जब वो बाहर भी आए हैं तो डॉक्टर्स की जांच के बाद इसका अभी कारण समझ में नहीं आया है, ना ही वो वजन फिर से उनका बढ़ा है। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, मैक्स के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन दिया है। 30 तारीख तक अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन में व्यस्त हैं, उसी के लिए उन्हें जमानत मिली है। तो ये टेस्ट करवाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा है। हालांकि सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत वाली याचिका पर अब बीजेपी की ओर से बयानबाजी होनी शुरू हो गई है। इस बीच बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा ने तंज कसते हुए कहा कि सीएम केजरीवाल नया ड्रामा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल नौटंकीबाज हैं। पूरे प्रचार में उनकी तबीयत ठीक थी, भीषण गर्मी में भी वो प्रचार कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी उनको, और अभी भी पंजाब के प्रचार में है। लेकिन अंतरिम बेल की अवधि बढ़ाई जाए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। नई नई बीमारियां बताई जा रही हैं। अगर आपको बीमारियां थी तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराइए, और न्यायिक हिरासत में का इलाज नहीं होता है क्या? दरअसल सुप्रीम कोर्ट में वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए अंतरिम बेल की मांग की थी, जिसको कोर्ट ने मानते हुए 1 जून तक के लिए सीएम केजरीवाल को बेल ग्रांट की थी। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, क्योंकि उनकी कोई आपराधिक हिस्ट्री नहीं है। इस वजह से लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने में कोई हर्ज नहीं। जमानत के समय कोर्ट ने ये भी कहा था कि सीएम केजरीवाल पर मामला अभी चल रहा है, यानी उन पर जो आरोप है वो अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को निर्देश भी दिया था कि वो अपने किसी भी गवाह से बात नहीं करेंगे, साथ ही मुख्यमंत्री पद से संबंधित कोई काम नहीं करेंगे। गौरतलब है कि सीएम अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार को लेकर लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। अंतरिम जमानत मिलने के तुरंत बाद से ही सीएम केजरीवाल चुनाव प्रचार में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल सीएम केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए पंजाब में मौजूद हैं, तो अब देखना ये होगा कि सीएम की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।